हमने इतनी भारी संख्या में यहाँ से लेके वहां तक माताएं बहने आप सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको देख के ही ऊर्जा आती है, आपको देख के लगता है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप जब यहाँ ऐसी संख्या में आ जाती हो तो लगता है कि दुखी हो, और इसलिए जरूरी है कि हम लोग आपकी आवाज को उठाएं और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तो मैदान में आए। और मुझे ये विश्वास हुआ कि मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरी पार्टी अकेली नहीं है, हमारे साथ हजारों की संख्या में हमारे युवा हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, और हमारे सब बुजुर्गणों का हमारा आशीर्वाद है। इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है? ये परिवार की ताकत है। इस परिवार की ताकत को आज दिन तक कोई समझ नहीं पाया। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ, इस परिवार के अंदर 36 के 36 कौम, हमारे सब मजहब, आप सब लोग, ये जब मिलके चलेंगे, सब जात एक होंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप जो सपने का राजस्थान आपने देखा है, उस सपने के राजस्थान को हम मिलके पूरा कर सकेंगे। बस आपको अपने मन में संकल्प लेने की जरूरत है। परिवर्तन यात्रा के अंदर आप लोगों ने देखा कि परिवार का कितना शानदार काम हुआ और किस जोरदार तरीके से हम लोगों ने चुनाव जीता। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जिस तरीके से अगर आप लोग लग जाते हो तो इस राजस्थान में जो नया राजस्थान का सपना आपने और हमने देखा है, उस नए राजस्थान का सपना हम और आप मिलकर पूरा कर सकेंगे। अब बिजली की हालत, मैंने जहां पूछा 2 महीने में सब लोगों ने बोला मेरे को कि बिजली की हालत ही बहुत खराब है। माता बहनों से पूछा तो आपके लिए जो अलग से मैंने बिजली बनाई, जो अलग से लाइन आप लोगों को घरेलू बिजली के नाम से दिया था, वो घरेलू बिजली आज 24 घंटे नहीं आती, आज आती है 7 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और उसके बीच में बहुत ज्यादा ट्रिपिंग होता है कि नहीं। मैंने बनाया था ये कि आप लोगों को घर में बिजली मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए बत्ती मिले, बाहर से थक के बांधे लोग जब आते हैं तो ठंडा घर मिले, जब खाना पकाती हो तो ठंडा घर हो, और आपका फ्रिज हो, कूलर हो, तो वो भी आराम से चल जाए। ये सब चीजों को देख के मैंने कहा था कि बिजली लगनी चाहिए। आपकी तो मिलती नहीं है, और बेचारे किसानों की जो बिजली मिलनी चाहिए वो भी मैं बताना चाहती हूँ, पूछूंगी मैं आपसे। मेरे को ये बताया जा रहा है कि 10 बार तो कटौती होती है और मुश्किल से आपको 3 या 4 घंटे मिलती है। सही, मेरे को ये बताया कि जो VCR, उस VCR की वजह से सब लोग परेशान है। आज उसकी वजह से जो बिल 2000 रुपए के मिलने चाहिए या 5000 के रूप मिलने चाहिए, वो 10 गुना मिल के आते, कहा 20,000 रुपया, कहा 10,000 रुपया, कहा 50,000 रुपए का बिल किसानों को हाथ में अगर करंट लगता कहीं है तो वो हाथों में करंट लगता है और बिलों के द्वारा करंट लगता है, परंतु आपको सही तरीके से बिजली नहीं मिलती है, ये मैंने देखा है। मुझे मालूम है कि आप लोगों का यह प्यार और साथ बना रहेगा तो हम लोग अपने काम को पूरा कर सकेंगे। इतना ही कह के मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हंसते हंसते की इस गर्मी के अंदर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही करो, हमारे सबके साथ मिलकर चलो और देखो कैसा नया राजस्थान बनता है।